अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो विवेक जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोल रहा हूँ और थोड़ी सी आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी, इफ यू डोंट माइंड। बोलिए जी सर। मेरे को बताया था किसी ने कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अक्सर आते जाते रहते हैं। पूछ सकता हूँ किस वजह से, क्या यहाँ पे आना होता है आपका? अरे वहाँ पे कई सारे मित्र रहते हैं, कई सारे प्रोफेसर जान पहचान वाले हैं, हमारा प्रॉपर्टी का काम है। आप आज आ रहे हैं या कब आ रहे हैं आप DU की तरफ? अगले हफ्ते आऊंगा बॉस। मैं आपसे एक थोड़ा सा ना फेवर चाहता हूँ, अगर आप मेरी मदद कर सकें। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ पे साइंस और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरी क्लास में कोई 40-45 बच्चे हैं, ठीक है सर? तो ये हमारा तो ये है कि हम पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी बच्चों की मदद हो जाए, तो मतलब बच्चे आपसे कुछ सीख लें, तो आप चाहेंगे? बड़े भाई मैं तो वहाँ ना पढ़ा हूँ, ना मेरा कोई किसी के सब्जेक्ट के बारे में मेरे को नॉलेज रखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैं साइंस और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे। लास्ट क्लास में मैंने इनका लेक्चर लिया था 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मैंने इनको समझाया कि भाई आदमी जो था पहले बंदर था, एप था, ये तो आपने भी पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ाया हमने, क्लास में पढ़ाया हमने, 5वीं 6वीं में भी। ये प्रॉब्लम ये आजकल के बच्चे बड़े यू नो मानते नहीं है, ये सब कह रहे हैं कि नहीं सर बंदर नहीं था। को मतलब प्रूव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अगले थर्सडे अगर आप यहाँ पे आते हैं DU की तरफ, आप सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पे आ जाएं मेरी क्लास में। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, आप मुझे बताइए ना। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब मैं क्लास ले रहा हूँ और बच्चों को मैं दोबारा बताऊंगा कि भाई इंसान पहले बंदर था, ये बच्चे मानते हैं नहीं, तो मैं आपको अंदर क्लास में बुला लूंगा, आप ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो जाना, ये 40 के 40 आपको देखेंगे, सारे मान जाएंगे कि आदमी पहले बंदर था। मतलब मैं वहाँ पर आऊँ पर बताता हूँ, जब मेरी क्लास हो रही होगी तो मैं ब्लैक बोर्ड के सामने आपको खड़ा कर दूंगा। ठीक है, खड़ा कर दिया आप 5 मिनट के लिए खड़े होंगे, 40 के 40 बच्चे आपकी तरफ देखेंगे, सबको पूरा यकीन आ जाएगा कि आदमी पहले बंदर था। इससे क्या होता है, बच्चों की एक तो नॉलेज बढ़ जाती है, तो इससे का मेरी ऐसे बच्चों को ना पढ़ाई में बहुत। अगर आप इस तरह के काम करेंगे ना काफी तरह चलिए मिली बात। तेरी शक्ल दिखा दे मुझे, अंगना को तुझे बंदर ना बना दिया, बंदर है बंदर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हेलो, मैं प्रोफेसर ही बोल रहा हूँ, आपसे बात हुई थी। अच्छा बंदर नहीं तो गधे के बारे में क्या ख्याल है? ये गधे पे भी यकीन नहीं कर रहे। विवेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आदमी पहले ना बंदर था, ना पहले गधा था, आदमी पहले मुर्गा था, ये मुझे पता चल गया। नवेद हम तो कुछ भी बन जाते। मेरे साथ प्यार से बोल दीजिएगा, नहीं ये तो बंदर हो गया। अच्छा, प्यार से बोल दीजिएगा कुकड़ू कू कुकड़ू कू।